बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हामिद मीर की इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश इरशाद भट्टी ने नाकाम बना दी। हामिद मीर की पुरानी वीडियो के जरिए इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगंडा करने की कोशिश इरशाद भट्टी ने नाकाम बना दी। सीनियर सहाफी और तजियाकार हामिद मीर की जानब से समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर गुज़श्ता रोज मज़ारे कायद पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जानब से नारेबाजी करने पर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें इमरान खान मज़ारे कायद पर अपने कारकुनान के हमरा फातिहाख्वानी करने जाते हैं और पीटीआई के कारकुनान जोरों शोर से इनका मज़ारे कायद पर इस्तकबाल करते हैं। हामिद मीर ने इमरान खान के मज़ार की हाजिरी की वीडियो को जवाब बनाकर इमरान खान के खिलाफ झूठा प्रोपेगंडा करने की कोशिश की, जबकि हामिद मीर की जानब से पोस्ट की गई वीडियो में वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है कि इमरान खान अपने कारकुनान के हमरा फातिहाख्वानी करने के बाद मीडिया से बातचीत किए बगैर फौरन वहां से रवाना हो जाते हैं। इरशाद भट्टी ने हामिद मीर की पोस्ट की गई वीडियो पर अपने ट्विटर पर जारी ट्वीट में कहा, इस पूरे क्लिप में मुझे कहीं ये नजर नहीं आया कि इमरान खान या कोई और मज़ारे कायद की जाली खोलकर अंदर दाखिल हुआ हो, कब्र के साथ जुड़कर खड़ा नारे लगा रहा हो। इरशाद भट्टी ने हामिद मीर को जवाब देते हुए अपने ट्वीट के साथ कायद को इज्जत दो का हैशटैग भी इस्तेमाल किया। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज मरियम नवाज के शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मज़ारे कायद पर हाजिरी के दौरान बानी पाकिस्तान की कब्र के इर्द गिर्द लगी मरकजी जालियों के अंदर खड़े होकर वहीं पर सियासी नारेबाजी शुरू कर दी थी, जिस पर सियासी और समाजी हलकों की जानब से शदीद रद्दअमल का इजहार किया जा रहा है। जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मज़ारे कायद के अहाते में सियासी नारेबाजी करने पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है।